इंजाज ऐप से एसटीसी पे में कैसे सदात के जरिए पैसा ट्रांसफ़र करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई नई वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंजाज ऐप ओपन कर लीजिए। इंजाज ऐप ओपन होने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहां पर लॉगिन है, लॉगिन में क्लिक कर दीजिए। लॉगिन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी कोड यहाँ पर डाल दीजिए। तो दोस्तों ओटीपी कोड आ गया, चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों ओटीपी कोड डालने के बाद आपके अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एसटीसी पे में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर देखिए सदाद है, सदाद में क्लिक कर दीजिए। सदाद में क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑन टाइम लिखा हुआ है, इसी में क्लिक कर दीजिए। ऑन टाइम में क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कैटेगरी, तो दोस्तों कैटेगरी में क्लिक कर दीजिए। कैटेगरी में क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर से टेलीकॉम ग्रुप, तो दोस्तों टेलीकॉम ग्रुप में क्लिक कर दीजिए। टेलीकॉम ग्रुप में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर ढूंढना है आपको एसटीसी पे का कोड। तो दोस्तों चलिए मैं ढूंढता हूं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एसटीसी पे, तो दोस्तों यहीं पर क्लिक कर देना है एसटीसी पे में। एसटीसी पे में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए टाइप, तो दोस्तों टाइप में क्लिक कर दीजिए। टाइप में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल सिम कार्ड कौन सा है, प्रीपेड है या पोस्टपेड है। तो दोस्तों हमारा प्रीपेड है, तो हम प्रीपेड में क्लिक कर देते हैं। प्रीपेड में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर अकाउंट नंबर, तो दोस्तों एसटीसी का जो सदाद नंबर है वही कॉपी करके यहां पर डाल देना है। तो चलिए मैं पहले से कॉपी किया हूं, तो मैं पेस्ट कर देता हूं यहां पर। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर अमाउंट सिलेक्ट करिए, मैं एग्जांपल के लिए 10 रियल ट्रांसफ़र करके दिखाता हूं। बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर एरो है, एरो कंफर्म की तरफ सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहां पर ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है हमारा एसटीसी पे अकाउंट में 10 रियल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।